23 दिसंबर 1929 जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन दक्षिण भारत से ट्रेन में दिल्ली आ रहे थे। जैसे ही वो दिल्ली के नज़दीक पहुंचे, वहां पर एक ज़ोरदार बम धमाका हुआ। बम धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं वो बम धमाका क्यों हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और वो बम कहाँ बनाया गया था? जिस जगह पर बम बनाया गया था वो जगह थी हरियाणा के रोहतक जिले में। मैं फिलहाल उस जगह पर हूँ और ये बाबरा मोहल्ला है जहाँ तंग गलियों में क्रांति के सपनों को पूरा करने के लिए बम की फैक्ट्री बनाई गई थी। पर बम फैक्ट्री और इन तंग गलियों का राज जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और बात करनी होगी 30 अक्टूबर 1928 की। स्वतंत्रता की लड़ाई जब अपने चरम पर थी तो देश के क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा था। 30 अक्टूबर 1928 जगह थी लाहौर, जब साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिटिश अधिकारियों ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी 17 नवंबर 1928 को मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई और एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके बाद सभी क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। बाद में 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों की तलाश में जगह जगह छापे मारे और 15 अप्रैल 1929 को लाहौर की बम फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ ली और अनेक क्रांतिकारियों को जेलों में डाल दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बुक्टेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के जेल में जाने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अभी भी अनेक क्रांतिकारी ऐसे थे जो इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए सक्षम थे। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद कामरेड यशपाल, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी, पंडित लेखराज वैद और लक्ष्मण दास जैसे क्रांतिकारियों ने रोहतक में बम फैक्ट्री लगाई। उस समय किस तरह से रोहतक की बम फैक्ट्री सफल रही, इसके बारे में गांधीवादी क्रांतिकारी लक्ष्मण दास के बेटे शांति प्रकाश जैन बताते हैं कि 23 दिसंबर 1929 को वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर जब यशपाल और भगवती चरण ने बम से हमला किया तो दुर्भाग्य से वो समय से पहले फट गया, जिसमें लॉर्ड इरविन बच गए। इसके बाद सभी क्रांतिकारी भूमिगत हो गए और एक देशभक्त सिपाही ने लक्ष्मण दास को पहले ही सूचना दे दी, जिस कारण कोई भी क्रांतिकारी पकड़ा नहीं गया। उस समय रोहतक में वैद, लेखराम जी थे, वो भी क्रांतिकारी थे, उनके सहयोग से और फिर विकल्प कार्यालय के जो यशपाल जी थे वो भी यहाँ आए रोहतक में, तो उन्होंने रोहतक में ही फैक्ट्री बनाई और वो जो है यशपाल जी मतलब क्या मसाला कूटने वाले का रोल करा, मतलब पुलिस तो जानकारी लेने के लिए, लेकिन वो पूरे देहाती बन के मसाला कूटते थे। उनके सहयोग से बम फैक्ट्री हमारे घर में बनाई। जो बम बनाया प्रयोग के लिए, मतलब उसमें लॉर्ड इरविन आ रहे थे, तो वो बम पहले मतलब क्या उसकी ट्रेन आने से पहले फट गया, मतलब रखा था लेकिन वो किसी कारणवश पहले फट गया, तो इस वास्ते वो हुआ। फिर एक आदमी ने आके मतलब आदमी सब जानकार थे, एक मुसलमान सिपाही ने आके बता दिया कि आपके घर में छापा पड़ने वाला है। बम फैक्ट्री सफल होने के कई कारण रहे,
एक तो यहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिर होने के कारण पुलिस को कभी भी किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। दूसरा, गांधीवादी लक्ष्मण दास यहाँ पर रहते थे और वे भी क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो सकते हैं, पुलिस यहाँ पर मात खा गई। और इस सफल इस वास्ते हुई कि हमारी गली में 6 पंसारी थे। पहले ये गवर्नमेंट उस जमाने में ये आज़ादी थी उन पंसारियों को कि वो केमिकल और दवाइयाँ बेच सकते थे, पोटास ऐसा मतलब पता नहीं वो बेच सकते थे। तो हमें वो उनको आसानी से वो बम बनाने का सामान मुहैया हो जाता था वहाँ। शांति प्रकाश जैन बताते हैं कि जब उनके पिता कामरेड लक्ष्मण दास को पता चला कि फैक्ट्री पर छापा पड़ने वाला है तो सभी बम्बों को बाबरा की कुएं में फेंक दिया गया। हमारे पिताजी ने बाल्टी के अंदर वो बम रख के माता दरवाजे जोड़ी होती थी उसमें बम घेरे और बाबरे में ही पहले खारी कुई थी उसमें लागे बम घेर दिए, बम सारे चले गए। कुछ बम जैन मंदिर हमारे घर के पास ही उसमें रखे रह गए। एक हमारे कुछ मसाला बम का अलमारी में रखा रह गया, वो गर्मी खा के फट गया। और जब 1947 में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ तो हम सब बच्चे थे, मतलब कोई 8 साल का कोई 9 साल, हम सबको लाला श्रीकृष्ण दास के पिताजी थे लाला जगदीश राय, उसके ऊपर मकान में बंद कर दिया हमें। तो उन लोगों ने रुक्का मार दिया, भाई हम मुसलमानों ने हमला कर दिया, मुसलमानों ने हमला कर दिया। तो तारा चंद जो नामक युवक था उन्होंने चाचा चाचा बम ठालाऊँ, तो हमारे पिताजी नींद में कहते ठाला। तो मंदिर में पेड़ियों के नीचे ऊपर एक वो बना होता था गुरुगुल्ला टाइप सा, वो चढ़ तो गया जी ऊपर उसके, जब ले बम लेकर उतरन लग गया तो हाथ से वो छूट गया जी, छूटते उसका माथा उड़ गया जी। लोगों को कामरेड लक्ष्मण दास के क्रांतिकारी होने का और उनके घर में बम बनाने की सूचना अज्ञातवास से वापस आने पर वैद्य लेखराज द्वारा बताए जाने पर पता चला। वो फैक्ट्री इस वास्ते बंद होगी कि पुलिस ने पंडित लेखराम को अपराधी घोषित कर दिया था और वो अज्ञातवास में चले गए थे। सिर्फ हमारे पिताजी को पता था कि वो कहाँ है। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो अज्ञातवास से वापस आए। जब पता लगे हमें भी जब पता लगा कि बम बने थे हमारे घर, नहीं हमें नहीं पता था पहले, उन्होंने बताए। कामरेड लक्ष्मण दास ने देशभक्ति के गीत लिखे और लगभग 4 वर्षों तक प्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदुस्तान के संवाददाता रहे। 30 जुलाई 1983 को कामरेड लक्ष्मण दास का निधन हो गया। बम फैक्ट्री का संचालन कर रहे कामरेड यशपाल भी एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ अव्वल दर्जे के साहित्यकार भी रहे। उन्होंने लेखक के तौर पर 42 पुस्तकें लिखी और रोहतक की सफल बम फैक्ट्री का जिक्र अपनी पुस्तक सिंहावलोकन में किया। 73 साल की उम्र में 1976 में उनका निधन हो गया। और भी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस मिलेंगी आपको रोहतक मिरर के YouTube, Instagram और Facebook पेज पर। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें रोहतक मिरर। शुक्रिया।